हाँ मेरा मैडम तो अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड गेट देके गया मेरे को, कुछ खाइए चाहिए तो खा भी लो। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन समर 007 व्लॉग। तो सामने एक भाई बैठे हैं जो कि उम्र दराज हैं और अभी ड्राइवरी कर रहे हैं, तो चल के भाई से बात करेंगे और जानेंगे उनका एक्सपीरियंस क्या है और आप लोग तक उनकी लाइफ के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बताएँ, कतर की लाइफ कैसी वो बताएँगे। तो ये भाई बैठे हैं, भाई से बात करेंगे चल के। सलाम वालेकुम। सलाम, खैरियत? वो बंद करिए। तो भाई ये बैठे हुए हैं कार में और अभी हम भाई से बात करेंगे, बहुत ही बड़ी कार है और भाई की उम्र से भी लग रहा है काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो पहले तो ये बताइए, हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल है, इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो नए लड़के हैं उनको कुछ बताएंगे आप अपनी लाइफ के बारे में, और जो लोग समझते हैं कि बाहर लोग रहते बहुत पैसा कमा रहे हैं और क्या करते हैं बैंक बैलेंस, यानी एक जेन्युइन बात होगी जो लाइफ के बारे में। ठीक है, तो हम आपकी गाड़ी में आ जाएं? आ जाओ। तो भाई ने कहा है अंदर आ जाइए। तो कुछ इस तरह की कार है, भाई की कार देखिए कितनी बड़ी कार है, ये देखिए माशाल्लाह, दाढ़ी आड़ी भी है काफ़ी अच्छी। तो अभी जा रहे हैं अंदर और अंदर बैठ के भाई से बात करेंगे। तो भाई यहाँ पे ऐसी बहुत ही बड़ी बड़ी कार होती है, तो ये देखिए कुछ इस तरह की कार है, ये देखिए सब ऑटोमेटिक है, डिस्प्ले लगी है, कार कितनी क्लीन है, लगता है भाई डेली क्लीन करते हैं। और ये देखिए ऊपर भी, ये देखिए कुछ इस तरह डिस्प्ले भी लगी है, ये देखिए परफ्यूम लगा हुआ है। मेरा नाम समर है, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ इन्फॉर्मेशन वीडियो, आपको देखा तो आप काफी एक्सपीरियंस वाले लग रहे हैं। पहला एक टाइम दाढ़ी वाले को बना के है ना? हाँ मैं बनाया पहले, देख के है वीडियो। देखा कभी इधर ही कुछ बना के है? हाँ हाँ इधर ही बनाया, कभी इधर रहता है तो इधर बना देता हूँ। शायद याद नहीं मेरे को क्योंकि वीडियो बहुत सी है और भी। तो भाई हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे उसका आप बताइएगा, और आपसे कतर की लाइफ के बारे में पूछेंगे और आप कुछ मोटिवेट करेंगे जो नए लड़के हैं, नया यूथ है जो बाहर आना चाहता है। तो भाई पहले तो आप बताइए आप हैं कहाँ से? कड़प्पा आंध्र प्रदेश में है। कड़प्पा यानी तिरुपति के करीब में रहता है। अच्छा आंध्र प्रदेश जो हैदराबाद में? नहीं नहीं, हैदराबाद जो तेलंगाना अलग है, आंध्र अलग। अच्छा नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज खान है। मोहम्मद इम्तियाज खान। तो आपको कितना टाइम हो गया भाई आपको कतर में? इधर 5 साल हुआ। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले कुवैत में था। अच्छा तो ये हाउस ड्राइवरी का काम कर रहे हैं ना आप? तो पहले यहाँ पे आने के बाद हाउस ड्राइवरी का काम कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे? पहला हाउस ड्राइवरी का काम करता था, उसके बाद है ना घर जाके बाहर के वीजा में आया मैं। बाहर का वीजा बोले तो क्या? यानी लिमोजिन कंपनी का वीजा है ना। हाँ। खरीद के 7,000 रियाल दे के। 7,000 का लिमोजिन का फ्री वीजा खरीदा। भाई आप जब यहाँ पे आए थे 2 साल रुक के, फिर आप वापस चले गए, फिर उसके बाद कितने साल बाद वापस आए? 3 साल बाद आया। फिर 3 साल के बाद आए फ्री वीजा खरीद के। तो फ्री वीजा खरीद के आपने क्या काम शुरू किया, किस तरह शुरू करा, थोड़ा मेरे यूजर को बताइए। भाई साहब मैं जो लिमोजिन कंपनी में आया फ्री वीजा लेके, वो मुदीर खुद है ना मेरा गाड़ी चला बोला फीफा में। अच्छा फीफा में काम चलता था लेके। 19 मॉडल का गाड़ी था। कितना रेंट था? 100 रियाल लेता था एक दिन का। एक दिन का महीने का 3,000। गाड़ी कौन सा? गाड़ी सियाज गाड़ी था। अच्छा। और गाड़ी का ऑयल चेंजिंग हम ही कराना पड़ेगा, जो भी काम है हम ही कराना। तो बहुत महंगा था यार ये तो, क्या करेंगे इतना नहीं है। तो लिमोजिन वाले लेते हैं 2,000 से 2,500 के बीच में लेते हैं और काम भी उन्हीं का रहता है जो लिमोजिन कंपनी होता है। तो आपका कंपनी थोड़ा सही नहीं था यानी? हाँ। किधर का था वो आदमी? बांग्लादेश का था? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का। हाँ तो ऐसा नहीं होता, काम जो होता है कंपनी करा के देती है, वो रेंट लेती 100, उस समय 100 ले रही, चलो ठीक है जो भी है। तो आपने कई साल उबर या कैसे काम करते थे? उबर में चलाते? उबर चलाता है, करीम चलाता। कई साल चलाया वो काम? वो तकरीबन 3 महीने चला मैं। अच्छा 3 महीने वो काम किया, अभी क्यों छोड़ दिया? वो छोड़ दिया इसलिए मालूम है काम नहीं है। फीफा के पहले कि फीफा के बाद? फीफा के बाद छोड़ दिया मैं। अच्छा फीफा के टाइम पे आप आए थे, उसके बाद आपने 3-4 महीने काम किया। अच्छा, फीफा में तो अच्छा काम किया। अच्छा काम। अभी आपको कई महीने हो गए छोड़े हुए ये बताइए? छोड़ के 1 साल होगा। मैं 1 साल हुआ, उसके बाद आपने वो काम छोड़ दिया, क्यों छोड़ा ये बताइए? काम नहीं चल रहा था? काम नहीं चल रहा है, रेंट नहीं निकल रहा है,
और क्या मालूम है खाने पीने कुछ बचता तो है, बचा रहा है ना आदमी। नहीं बस क्या घंटे ड्यूटी करते थे आप? 15 घंटे 16 घंटे करते हो। ऐसा तो है नहीं यार, आदमी उबर पे चला रहा है 200 तो बचा लेता है ना। नहीं बस साहब भाई जो बोलते हैं ना। आप क्या घंटे चलाते थे उबर? नहीं 16 घंटे 15 घंटे पीटता। तो कितना काम करते थे? 150-200 भी नहीं हो रहा था। अच्छा महीने में कितना बचाया फिर? महीने में घर उल्टा है ना, मैं समझो उल्टा है ना घर का है ना, कुछ नहीं भेजने का रहता उल्टा। बाकी एक टाइम 150 चलेगा तो दूसरे दिन 90-80 चलेगा। तो इतना खर्चा कैसे मतलब कि, अच्छा किराया रेंट हो गया कार का 100 रियाल डेली का, उसके बाद रहने का भी खर्चा होगा। रहने का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है। हाँ तो आप निकाल नहीं पा रहा था? नहीं निकल। हाँ अभी हालात आप पूरा नहीं कर पा रहे थे रेंट की गाड़ी लेके चला के, और आपका गाड़ी भी महंगा था। महंगा था और उसके बाद आपकी गाड़ी का ऑयल फिल्टर सब आपको कराना पूरा था। तो वो छोड़ने के बाद इसलिए आपने डिसाइड किया कि वो काम हम छोड़ देंगे, घर में काम लगाएंगे। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर में काम लगाया तो आपको कितनी सैलरी में काम मिल गया? पहला मैं जो काम किया इस गाँव में 4 महीने काम किया 2500 में। 2500 में अल्हम्दुलिल्लाह। खाना पीना सब उन्हीं का था? हाँ उन्हीं का था। उसके बाद खत्म हो गया वहाँ से 4 महीने काम करने के बाद। उधर काम है ना ये जो हमारा कंपनी वाला तंग कर देता। क्यों? चेंज करो तो चेंज करना चाहिए। और ये क्या फायदा लेते हैं ना वो लोग, फायदा देते रहते हैं फायदा। अरे 7000 देने के बाद है ना 1 साल तक किटपिट नहीं करना, 1 साल का फ्री रहता। और आईडी लगाने के टाइम 3000 दे दो बस उतना ही। हाँ बस। ये हमारा कंपनी उल्टा कंपनी है। हाँ क्या करेंगे, अल्लाह खैर करे। इसके बाद क्या हुआ मालूम है, 4 महीने के बाद कंपनी वाला बोला मैं तलाबाद में रखेगा काम करो। आपका कंपनी फिर बोला तलाबाद में लग जाओ। हाँ, तलाबाद में आप लग गया। तलाबाद में लग गया कैसा मालूम है, उसका गाड़ी सुजुकी डिजायर दिया तो गाड़ी कंपनी का था। हाँ कंपनी का जो अच्छा। जो मेरी लिमिटेड कंपनी का। हाँ, अच्छा लेके तलाबाद पहला शुरुआत में 15 ऑर्डर 16 ऑर्डर मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नए ऑर्डर खत्म होने के बाद उसके बाद है ना उबर ऑन कर लेता था। अरे 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 10-15 दिन होने के बाद वो भी पड़ गया, काम डन हो गया। अच्छा उसके बाद मैं क्या करना है समझ नहीं आता। ले गया कि गाड़ी भी रिटर्न कर दिया। हाँ, और उल्टा है ना कर्जा भी हो गया। अच्छा कर्जा भी हो गया। हाँ और दे दिया वो। उसके बाद है ना नहीं, उसके बाद से मैं घरों में काम करना शुरू कर दिया। तो इधर 2 महीना इधर 3 महीना ऐसा काम परमानेंट नहीं लगा। अभी अभी जो आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी है ना शेख के घर पे काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन नहीं है। अच्छा जो अभी आपने काम लगाया ये काम आपको कैसे मिला? ये काम एक मकतब वाले ने लगाया मेरे को। मकतब मतलब ऑफिस? ऑफिस वाले ने। तो वहाँ पे आप काम के लिए गए थे क्या? हाँ पूछा मैं उसको। कहाँ पे? वो मैदर में है। वो जो मेन पावर होते हैं वो जो आप सब जगह जाते थे काम ढूंढने के लिए कैसे जाते थे मेरे यूजर को बताइए, क्योंकि आप इतने कसम से बोलता है जो रूम में बैठ के है ना बहुत परेशान उठाया। 1.5-2 महीना काम नहीं, बगैर काम के बैठा मैं। ऐसा सर दिमाग खराब हो जाता था, यानी घर से फोन है इधर फोन है, और रूम का है ना महीने का 300 रुपया बेड स्पेस दे रहा है, और खाने का है यानी आज खा लिए एक टाइम का तो कल का गुजारा नहीं होगा। 2 टाइम भूखे रहता था मैं, ऐसा गुजारा करता था मैं। कई महीने तक ऐसा चला काम बंद? 3 महीने 3 महीने 3 महीने ऐसे ही काटा। हाँ, ऐसे ही काम नहीं मिल रहा था। काम नहीं मिलता, चल के पैदल जाके है ना, दोस्त लोग कोई ड्राइवर लोग घर पे रहते ना उनको खाना देते ना, उनके इसमें खाना थोड़ा बहुत मांग के खा ले जाता था मैं। क्या करेंगे अल्लाह खैर करे, तंगी बहुत हो गई थी और इसलिए है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये घर पे आया मैं। इससे पहले सैलिया घर पे 1.5 महीना काम किया, बद्दू लोग के पास दिमाग खराब हो गया। 8 खाना नहीं देते, सुबह 6 बजे स्टार्ट करो गाड़ी, शाम 5 बजे यानी नाश्ता नहीं चाय नहीं खाना नहीं कुछ भी, बहुत तंगी आ गया। अभी जो आप काम कर रहे हो अभी बढ़िया काम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चेंज कर दिया। तो अभी आपको कितनी सैलरी मिल रही है? 2300 मिल रही है। 2300 तो खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह, खाना पीना पूरा दे रहा सब कुछ, टिकट का भी देगा ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा देगा भाई। बात हुआ साल में की 2 साल में? 2 साल में टिकट आने आने का सैलरी। ड्यूटी क्या है अभी आपकी काम की? अभी मेरी ड्यूटी है ना बस मैडम को लेके जाना, ड्यूटी छोड़ना बुला के ले जाना बस उतना ही, उसके कुछ भी नहीं। रात के 8 बजे या 9 बजे ड्यूटी खत्म है। अच्छा तो भाई ये बताओ अभी आपको 5 साल हो गए कतर में, ठीक है आए गए सब मिला के, तो कुछ मतलब अभी तो आपका कुछ कुवैत में भी आप थे, कुवैत में कितने साल थे आप? कुवैत में 9 साल था। तो कितना बैलेंस इकट्ठा किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बैंक में पी के है ना कुछ बनाया नहीं पैसा अल्हम्दुलिल्लाह में,
खा पी के तंदुरुस्त है माशाल्लाह। बच्चे अच्छे हैं? बच्चे तीन बच्चे हैं मेरे। अच्छा, लाइफ के बारे में कोई बात बताओ कि जो लोग यहाँ आते हैं तो क्या सोच के आए और कैसी लाइफ है यहाँ पे, जो काम करना चाहते हैं। इंसान है ना, जो सुनो, जो खतर से इंडिया जाता है ना, परफ्यूम वर्फ्यूम मार के टिप टॉप से घूमता रहता है, उसकी जिंदगी क्या है, खतर में क्या है हुई, कैसा जिया है, ये खुद दूसरों को मालूम नहीं रहती। इधर से टिप टॉप हो गया था, सही इंडिया के लोग जो पागल लोग क्या समझते, मालूम रोड पे पड़ गया है पैसा, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता होगा। अच्छा, यहाँ पे भी यहाँ पे आदमी एक रियाल नहीं खर्चा करता है। अरे तुम बोल रहे हो इंडिया में है ना, सौ चाय पीते थे दूसरे लोग के साथ बैठ के, इधर ये एक रियाल खर्च चाय पीने के लिए भी दिल नहीं बोलता। अच्छा हाँ, मेरा मैडम तो अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड गेट दे के गया मेरे को, कुछ खाइए चाहिए तो खा पी लो, नहीं हमने जरूरत नहीं। हम भी है ना अल्हम्दुलिल्लाह पांच वक्त की नमाज पढ़ने का वक्त मिल जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैडम के घर पे, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो आपने बाहर जो लोग रहते हैं, आपने जो बात कही है, कुछ ऐसा मैसेज दीजिए और बताइए यहाँ पे जो ओरिजिनल दिखता है, मतलब लोग जो वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या करते हैं वो बताइए, और जो मोबाइल लेके वहाँ फिरते हैं, जो आप बता रहे हैं कि वहाँ जाते हैं टिप टॉप होके तो ऐसा दिखता है, तो कुछ ऐसा बताइए मेरे उधर को, उनकी मतलब पता चले कि लोग कितनी मेहनत करते हैं और जो दिखता है वो होता नहीं हो। और ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत करके पैसा नहीं कमाते, पैसा वही बचा सकता है, और किस तरह से बचा, पैसा कौन बचा सकता है और किस तरह से बचाता है, ये भाई बताइए आप मेरे उधर। भाई एक बात बोलता, हलाल का पैसा है जो आदमी है ना मेहनत करके कमाता है, वो हलाल के पैसे को इज्जत देता है और है ना उसकी कदर भी करता है। जो बेमायने से कमाया सो पैसा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह फिल्म मार के फोन मोबाइल लेके घूमता रहेगा और दूसरों को भी खराब कर देगा। अच्छा, जो अल्हम्दुलिल्लाह इधर काम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत करने वाले को सही है भाई। अच्छा, जो आदमी नया आ रहा है, नया आदमी है ना, क्या सोच के आना चाहिए आप बताओ। समझो उस नया आदमी कैसा आता है मालूम है, मैं जाके इधर में 50,000-60,000 कोई भी इधर आता पैसा कमाने के लिए, अभी भी इधर आके आदमी लोग है ना रूम में है ना बहुत तड़प रहे हैं, भूखे है। अच्छा, साल डेढ़ साल से हुआ भाई, आदमी लोग बेकार बैठ के है, मेरे आंखों से देखा, मैं रोया, मैं देख के उनका टेंशन की वजह से मेरे को तबीयत सही खराब हो गया था। साल डेढ़ साल से बैठा हुआ है, काम नहीं मिल रहा, नहीं काम नहीं मिल रहा, ढूंढता नहीं है क्या काम वो मार्केट में जाता है भाई, क्या बोलते हैं मालूम है, फ्री वीजा लोग लाइसेंस है ना खुद 4,500-4,000 डाल के बना के बैठा है, ये लोग है ना घूमते काम नहीं, अभी काम कम है। मैं ये घर पे काम के लिए गया, किधर मालूम है, ये स्पायर पीछे, वो बुड्ढी बोलती मेरे को, देखो हर हमेशा वो बाउंड्री के अंदर, घर के बाउंड्री के अंदर कुरान की तिलावत चलती रहती, घर के सामने मस्जिद है, बोलती मेरे को मस्जिद जाने के लिए बोल के जाना, और क्या मालूम है, सुबह उठने की देरी खिड़की सफाई करो, बाउंड्री सफाई करो, ऐसा तंग कर देती, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं चाहिए बाबा तेरा काम। क्या मैंने किया, एक ही दिन किया, एक दिन में क्या क्या काम करा लिया तुमने? एक दिन में 25 मैसेज डाली, 25 मैसेज डाली, मेरे पास है मैसेज, बोलती है ये सफाई करो वो सफाई तो करो। तुम बताया नहीं, मैं तो बाहर काम करता है, खाली ड्राइवर के लिए आया, इसलिए आ गया मैं, क्या मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह खतर में भी है ना घर है ना, अच्छे भी है बुरे भी है भाई, जो भी है सोच समझ के आओ करो, क्या मालूम है, जल्दी पढ़ के मत आओ, देख सुन के आओ, कोई आपात वाला वीजा दे जो घर जाता, खतर के अंदर आना चाहते हो, कोई आपको फ्री वीजा भी देगा तो आना चाहते हो, कोई आपको सपोर्ट रह रहा है पैसे का मदद, रूम का मदद, और है ना जिम्मेदारी ने साथ में, ये इसे देख के आओ, क्या मालूम है, इधर में है ना भाई का भाई नहीं, बाप का बेटा नहीं, कोई किसी का नहीं होता, काम का जो भी आदमी है सोच समझ के आओ, और क्या मालूम है, हजारों लगाते हैं आप पैसा खतर का बाहर का वीजा लेने के लिए, 2,00,000-3,00,000 खर्चा कर जाते हैं, इधर आने के बाद पछताओगे, सूद समझ के पैसा लगा के आओ, क्या मालूम है, कोई कोई सूद पे लेता है, कोई कोई कर्जा लेता है, देख संभल के आओ। आपकी बातों से तो लग रहा है आपका दिल बहुत, आपने बहुत देख लिया यहाँ पे मतलब, और आपने वो दिन काटे हैं, मतलब आपने जो सही बता रहे हो कि भूखे रहे हो आप यहाँ पे, नहीं भूखे था नहीं था, ये घर वालों को बताते थे ये बात, नहीं बताते क्यों नहीं बताते थे, घर वालों को बताएगा तो टेंशन आएगा ना, इधर कोई भी रहता नहीं बताता कितना तकलीफ में, सही है ना, इधर उधार लेके अपने घर वालों को भेजता है, सही है ना।
अच्छा ये बताओ अभी घर में आप जो काम कर रहे हो क्या क्या काम होता है घर में? मेरा 3 गाड़ी है, हफ्ते में एक टाइम साफ करना है, घर का बाउंड्री है, हफ्ते में एक टाइम साफ करना है बस। काम का ड्यूटी क्या है? कितने ड्यूटी क्या है मालूम? सुबह 5:30 पे गाड़ी स्टार्ट करो और मैडम को छोड़ो, घर आ जाओ 7:00 सो आ जाए के ओढ़ के सो जाओ, 12:30 बजे उठो, नमाज पढ़ो, नमाज के बाद है ना तुम जाके मैडम बुला के लेके आओ, उसके बाद जहाँ भी घूमेंगी वहाँ पे नहीं होता, बहुत कम घूमती है, एक ही मैडम है, एक ही मैडम है। अच्छा एक मैडम कम। अच्छा ये बताइए खाना पीना क्या घर से मिलता ही बनाते हैं? घर से पूरा खाना मिलता है, नाश्ता पानी सब मिलता है, सब पूरा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं? मैडम लिप्टन के साथ देती है और जो मोजे है ना वो खुद दिलाती है। अच्छा कपड़े वपड़े भी दिलाती है? पूरा ये मोबाइल खुद मेरा शेख ने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मोबाइल भी दिलाया है, क्रीम व्रीम ले गए तुम्हारी है? नहीं गाड़ी का। तो मैडम मतलब घर बहुत अच्छा है, अभी तुम्हें सब कुछ कपड़े वपड़े सब दिलाती है, खर्चा पानी देती है? खर्चा पानी अल्हम्दुलिल्लाह महीने में 100-150 ऐसे ही दे देती। अच्छा छुट्टी उट्टी करते हो कि नहीं महीने में? नहीं क्या करना है, किधर जाने का छुट्टी कौन सा ये है करे भाई, रिश्तेदार भाई इधर में है ना, मैं पूरा तंग हो गया, रिश्तेदार भी है ना साथ में आते हैं। अच्छा कोई भी साथ नहीं दिया? कोई भी साथ नहीं, टैंक भी नहीं रहता ना किसी के पास? किसी के पास भी है ना कसम से बोला, इंडिया में तो है ना तुम है ना 50,000-10,000 मदद कर देंगे, इधर में है ना किसी के पास पूछो 1 रियाल नहीं देंगे। नहीं देने वाले देते हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग नहीं भी देते, अच्छे और बुरे लोग हैं पूरी दुनिया में, अल्लाह खैर करे। मैं जिसके पास पूछा भी कभी भी, बुरे दौर में कोई नहीं देता, आपका अच्छा दौर होगा तो मुश्किल है भाई मेरे को टैक्सी लेने के लिए, आदमी 1,000 मदद करो डोनमेंट बन के ले जाता, कोई भी हेल्पिंग नहीं किया, नहीं किया यानी उधार कोई भी नहीं दिया, कोई भी नहीं दिया। रिश्तेदार है आपका सगा? पूरा मतलब क्या रिलेटिव है? रिलेटिव फूफू का लड़का है, ये है वो, नहीं दिया कि आपने 1-2,000 मांगा कि दे दो हम दे देंगे बाद में, तब भी नहीं दिया? कोई भी नहीं दिया। अच्छा अभी महीने में कितना बचा लेते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 2300 आता है, 2300। इंडिया का कितना महीना बचा रहे हो? खा पी के ईमानदारी से बताओ मेरे। इंडिया इधर से भेज देगा 50,000 भेज देता 50,000 कम्प्लीटली। माशाल्लाह अभी घर का सिस्टम सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कर्जा पानी अदा हो गया? और थोड़ा कर्जा है मेरे को। कितना कर्जा है? और 1.5 लाख रुपया है। पहले कितना कर्जा था? मेरा था 2.5 लाख था। अच्छा अभी घर में कई बच्चे भाई? 2 लड़की 1 लड़का। लड़कियाँ छोटी है सर? छोटी है, 13 साल का लड़की है एक, 7 साल का। अच्छा भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, देख लो भाई, भाई ने सच बता दिया कि लोग यहाँ पे किस तरह रहते, और भाई की बात हमको सुन के बहुत अफसोस हुआ कि भाई भूखे थे और काम नहीं मिल रहा था, और उबर जब चला रहे थे तो इनका फ़ायदा हो नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने उबर छोड़ दी थी। तो भाई ने फिर उसके बाद एक ऑफिस जो होता है जॉब अब दिलाता है वहाँ पे गए थे मेन पावर में, तो वहाँ से इनको ये काम मिला, अभी बहुत अच्छा काम है, चेंज करा लिया, 3 महीने से काम कर रहे हैं, 2300 सैलरी है, खाना पीना कपड़े लत्ते सब है, 100-200 रियाल इनको महीने का खर्चा मिल जाता है। भाई अभी हम चलते हैं, ये वीडियो हम यूट्यूब पर डालेंगे, अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए भाई, बहुत अच्छा लगा, अल्लाह पाक आपकी जो दुख मुसीबत है वो सही करे। भाइयों अभी मोहम्मद इम्तियाज भाई से हम जो बात कर रहे थे, भाई से जो बात करी उससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो और कोई भी एक कतर में कैसे लोग जीते जिंदगी वो आपने देखा। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताया, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।